हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष नागर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एमसीक्यू सीरीज, जिसका आज है एपिसोड नंबर 5, जो कि दोस्तों होने वाला है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स से। तो देखते रहिएगा। इसमें से मैंने टॉप आज मैंने 7 नहीं 8 क्वेश्चन पिक करे हैं। एक क्वेश्चन इसलिए फालतू मैंने पिक किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे एक और ले लेना चाहिए ताकि मैक्सिमम जो है इसमें कवर हो सके। ट्रस्ट मी, ये 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो इसमें मोस्टली आपका जो है ये चैप्टर का एमसीक्यू कवर्ड हो जाता है। हालांकि 15, 20, 25, 30 कितने भी इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मगर ये 8 ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। जो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अगर हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोसिस इज अ डिफॉर्मिटी इन द डैश डैश डैश। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी स्पाइन, ऑप्शन सी शोल्डर या फिर ऑप्शन डी एंकल। तो दोस्तों स्कोलियोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो कहां पे होती है, इन चार में से जो आपको है वो एक सही जवाब देना है। मन में आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, लास्ट में जरूर कमेंट में बताना कि 8ों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी स्पाइन। स्पाइन में प्रॉब्लम होती है स्कोलियोसिस की। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज स्टार्ट्स एट डैश 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 ईयर्स ऑफ एज। अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है वो किस एज में स्टार्ट हो जाती है, बच्चा कितना बड़ा होता है जब वो स्टार्ट हो जाती है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड का वो है ऑप्शन बी 2, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स तक जो बेबी है वो इन्फेंट में रहता है, उस स्टेज को इन्फेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। मिनार्क इज डिफाइंड एज द डैश डैश डैश। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, ऑप्शन बी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, ऑप्शन सी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या फिर ऑप्शन डी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो भी है ऑप्शन बी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। इस स्टेज को जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं वुमेन्स में, इस स्टेज को मिनार्क कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश डैश स्टेजेस या फिर आ सकता है मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस। तो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3, 3 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिफॉर्मिटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेग्स इंक्लूड्स डैश डैश डैश। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी लोर्डोसिस या फिर ऑप्शन डी नॉकनीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉकनीज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। फर्स्ट टाइम वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1954 या फिर ऑप्शन डी 1968। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1900। फर्स्ट टाइम विमेन ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में 1900 में, 1900 में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट इंडियन विमेन टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन बैडमिंटन इज डैश डैश डैश। तो इंडियन ऐसी कौन सी विमेन है जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, पहली विमेन। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पी वी सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा या फिर ऑप्शन डी मनिका बत्रा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन बी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बनी थी कुछ टाइम पहले, अभी लेटेस्ट जो है वो पीवी सिंधु बनी थी, उससे पहले साइना नेहवाल बन चुकी थी ऑलरेडी। सानिया मिर्जा आपको पता है ये लॉन टेनिस खेलती है, वहीं ऑप्शन डी मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोबरा पोज इज यूजफुल टू करेक्ट। कोबरा पोज किस लिए यूजफुल होता है, किस चीज को करेक्ट करने के लिए, किस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन आर ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी स्कोलियोसिस, ऑप्शन सी लोर्डोसिस या फिर ऑप्शन डी नॉकनीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट ए ऑप्शन ए काइफोसिस। तो इसके साथ यहाँ टॉप 8 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर करना सभी के साथ ताकि सभी का भला हो, मैक्सिमम लोग इसे देखें और 70 में से 70 मार्क्स लेके आए थ्योरेटिकल में। ये हमारा गोल होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 में, जल्दी अपलोड होगा, देखते रहना चैनल से जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।